गाइस, व्हाट इज अप, दिस इज मी रुद्र टेक, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि अपने वीडियोस में व्यूज कैसे लाए। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत बहुत सारे ऐसे रास्ते होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी 10-12 फोन लेकर आप व्यूज बढ़ाते होंगे। टाइम अगर आप देखें व्यूज, तब मैं करता था, जो कि आज से 2-4 साल पहले की बात है, मैं तब करता था, अब नहीं। सो क्या ये करना बेहतर है? और आजकल के टाइम में आप देखते होंगे कि फैंसी थंबनेल्स देखिएगा, बहुत ज्यादा लोग क्लिक कर देते हैं, ठीक है। क्या आपको फैंसी थंबनेल डालना चाहिए या कि ऑर्डिनरी थंबनेल डालना चाहिए? सो आज के इस वीडियो में यहाँ पर कुछ ऐसे 5 टॉपिक होने वाले हैं, जिससे आपका क्या व्यूज बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। सो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमारा जो कि फर्स्ट जो कि क्या यहाँ पर फैंसी थंबनेल डालने से क्या हमारा क्या व्यूज बढ़ेगा? तो सो फैंसी थंबनेल डालने से बेसिक बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप अपने माइंड को आप देखिए, यहाँ पर आपके माइंड में क्या होता है कि कोई अच्छा सा कलर देख ले तो उसके बाद आपको उसके ऊपर से ध्यान नहीं हटता है, ठीक है। वैसे ही हमारा यूट्यूब के जो कि थंबनेल, ठीक है, थंबनेल अगर आप कोई अच्छा देख लेते हो तो आप उसके ऊपर ही क्लिक करते हो, ना कि एक आप समझ लीजिए कोई फोन का अनबॉक्सिंग, सेम कंटेंट है, 10-12 लोग यूज कर रहे हैं उस फोन को और वही अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि अच्छा अच्छा थंबनेल वो उन सभी वीडियो को फेल करके वही लोग देखते हैं अच्छा वाले थंबनेल को, क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ अच्छा कलर मिक्सिंग किया गया है, या तो कुछ अलग सा कुछ दिखाया जाता है, या तो बहुत ही कुछ एकदम फैंसी सा, एकदम फाड़ू सा लगेगा, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या ये फैंसी थंबनेल से क्या व्यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं आता? यहाँ पर अगर आप फैंसी थंबनेल यूज करते हो तो आप बहुत ही बढ़िया कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप जब ये फैंसी थंबनेल यूज करते हो और स्पेशली आप RGB कलर में से कोई अच्छा कलर चॉइस करिएगा, यहाँ पर ट्रेंडिंग कलर चॉइस करिएगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे ट्रेंडिंग कलर्स आपको चॉइस करने पड़ते हैं, ठीक है। फिर आप बहुत कुछ यहाँ पर करते होंगे, फ्रंट वांट डालना, ठीक है। सो आप अच्छे से एकदम फैंसी से थंबनेल बनाइए और उससे आपका बेहतर व्यूज आना शुरू हो जाएगा। देन अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि ये हमारा जो कि टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, नहीं, टाइटल और डिस्क्रिप्शन को हटा के ये टैग से कि हमारा व्यूज बढ़ेगा, तो सब बेसिक बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो कि वीडियो रैंकिंग करता है टैग के अंदर, ठीक है। मान लीजिए मैंने कोई अनबॉक्सिंग किया, रेडमी का कोई स्मार्टफोन या मोटरोला का स्मार्टफोन या सैमसंग का, वहां पर मैंने ये सब लिखा, वहां पर आपका ट्रेंडिंग करेगा, टैग में आपका वो होगा, आप नीचे मतलब आपका जो कि टैग डाला है उसमें आप कितने ऊपर जा रहे हो, कितने नीचे जा रहे हो, कितना ऊपर आपका व्यूज कितना आ रहा है, आपका अच्छा बना है कि नहीं, ये सब लोग देखते हैं। देन आपका जब स्किप आपका कोई वीडियो नहीं करता है या आपका आधा वीडियो छोड़ कर नहीं जाता है, तब वो टैग में आपका वीडियो ऊपर जाता रहता है, मतलब वो ऐसे करके ऐसे 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 करके ऊपर जाता रहता है, ठीक है। अब हम लोग जो कि तीसरा जो कि चीज है कि व्यूज लाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, और यहाँ पर जो कि हमारा तीसरा चीज में है कि व्यूज लाने के लिए हमें क्या अच्छा सेटअप या अच्छा कुछ जैसे कि माइक का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। अगर आपको जब तक 100 सब्सक्राइबर पार नहीं हो जाते तब तक आपको माइक की कोई जरूरत नहीं है, आप करते जाइए। अगर आपका ऑडियो क्वालिटी बेस्ट आ रहा है तो आप कंटिन्यू कैरी ऑन करते जाइए, ठीक है। और कैमरा क्वालिटी का अगर हम लोग बात करें तो आजकल के टाइम में बहुत ही अच्छे से कैमरा क्वालिटी के स्मार्टफोन आपके पास भी होंगे तो बहुत ही बढ़िया आपको है, ठीक है। और अगर हम लोग चौथे चीज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि व्यूज से क्या वॉच टाइम का कोई लेना देना, लेकिन यहाँ पर जो कि फोर्थ चीज में मैं ये नहीं कहना चाहता था, मैं फिफ्थ में कहने वाला था, लेकिन यहाँ पर मैं फोर्थ में कह देता हूँ। हाँ जी, यहाँ पर जो कि मोनेटाइजिंग में बहुत ही ज्यादा व्यूज हेल्प करता है। यहाँ पर कुछ लोग मुझे कह रहे होंगे कि ये किसी को नहीं पता, यहाँ पर बहुत लोगों को नहीं पता है कि ये मोनेटाइजिंग के व्यूज से क्या मामला है, ठीक है। यहाँ पर मैं जो कि आपको बता देता हूँ कि व्यूज अगर आपका आता है तो अभी आपका वॉच टाइम आता है, वॉच टाइम आने से आपका 4000 वॉच टाइम कम्प्लीट हो जाने के बाद आपका मोनेटाइजिंग कम्प्लीट होता है, ठीक है। और उससे पहले आपको 1K सब्सक्राइबर भी कम्प्लीट करना है, ये नहीं कि सिर्फ आप 4000 घंटे का वॉच टाइम कम्प्लीट कर दो फिर बेटर हो और सोचेंगे कि यार कम्प्लीट हो गया बस, अभी और भी बहुत कुछ है। और क्या हमारे व्यूज से क्या सब्सक्राइबर बेसिक बढ़ेंगे, क्योंकि आपका अगर ऑडियो क्वालिटी इज बेटर देन
और कैमरा क्वालिटी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो हाँ बढ़ेगा, बहुत अच्छा बढ़ेगा, बहुत ही बढ़िया होगा। ठीक है, यही था कुछ आज का ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कौन सा पार्ट आपको जो कि समझ नहीं आया वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए, ताकि मैं आपको कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूँ कि मैं क्या कहना चाहता था। ठीक है, सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के, टिल देन बाय बाय।